अरे भैया कुछ है पढ़ रहे बहुत खाना में डरो दी फड़ो दी तैयारी में कुछ गांव के गांव कुछ ना है अपन अरे भैया कुछ है पढ़ रहे बहुत खाना में डरो दी फड़ो दी तैयारी में कुछ गांव के गांव कुछ ना है अपन पंकज जागो तो किशोर कुमार है पिता भुवनेश्वर महतो है यू क्या नाम था रे दोनों है ना पंकज पंकज का नाम जानते हैं किशोर कैसे जानता किशोर को हम है लाल वाला रोक डाल रहा है मत रुक रहा है लाल वाला जब गए लाल वाला हां देख 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 समझ नहीं आ रहा ऐसा सुन रहे हैं सर अभी तो देखे नहीं सुने कि कनो ले जाके इलाज करा रहे हैं हम लोग यहाँ चले हॉस्पिटल सर जी प्रणाम सर दो गो मरा है अरे भैया चार गो है तो कहीं होगा कहीं हो कहीं इलाज करा पाँच नमस्कार मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार अनिल कुमार के साथ इस समय बेगूसराय के सदर अस्पताल में हूं और आज बेगूसराय में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। मामला लोहिया नगर ओपी क्षेत्र के बागी मुनि बाबा ठाकुरवाड़ी के पास का है, जहां बताया जा रहा है कि दीपावली के अगले सुबह यानी दीपावली की रात डबल मर्डर हो गया है। जहां बताया जा रहा है कि दीपावली की रात दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं ये भी मामला सामने आ रहा है कि इस घटना में आधे दर्जन लोग लगभग घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही सुबह सुबह वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लेकर आई है और बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उसमें से एक सिंघौल ओपी क्षेत्र के नागदा का हरदेव महतो के पुत्र पंकज कुमार बताया जा रहे हैं। हमारे साथ देखिए यहाँ पर अभी भी लोग आए हुए हैं, उनके ग्रामीण हैं, उनके पिताजी भी हैं। जो पंकज की मौत हुई है उनके पिताजी, हम जानना चाहते हैं उनसे क्या मामला सर, आपको क्या जानकारी मिली? मुनि बाबा ठाकुरवाड़ी में वहाँ ये सब घटना हुआ है जी। ये फुसला के ले गया इसको कोई जी, हाँ बाकावा में इसको ले गया यहाँ से, उसको कोई रूटे नहीं था उधर इसको जाने का, गोली मार के हत्या कर दी। हाँ गोली मार के हत्या हुआ है। अच्छा तो आदमी का दो आदमी। अच्छा आपके बेटे क्या नाम था? पंकज। आपका क्या नाम हुआ? हरदेव महतो। घर कहाँ हुआ? नागदा। तो देखिए ये हरदेव महतो इनके पुत्र का नाम है पंकज, जिसकी गोली मार हत्या कर दी गई है। वहीं एक और व्यक्ति की हत्या कर दी गई है जिसकी पहचान अभी तक पुख्ते तौर पर नहीं हो पाई। हालांकि उसके जेब से किशोर कुमार पिता भुवनेश्वर महतो घर नागदा नाम का कार्ड निकला है, लेकिन जब ग्रामीणों ने पहचान की तो बताया जा रहा है कि किशोर कुमार है ही नहीं, जो उसके जेब से कार्ड निकला था, आधार कार्ड का जो आधार कार्ड निकला उसमें यही लिखा हुआ था किशोर कुमार पिता भुवनेश्वर महतो, लेकिन वो व्यक्ति वो है नहीं जिस जो कार्ड में लिखा हुआ था। पुलिस भी अब अलग सिरे से मामले की जाँच में जुट गई कि आखिर ये मामला है क्या है कि डेड बॉडी के जेब से जो निकला है वो गलत पता कैसे है। और ये मामला काफ़ी गंभीर बताया जा रहा है। चर्चा तो ये भी है कि जुआ खेलने के विवाद में ये घटना हुई है, लेकिन अभी पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। थाना अध्यक्ष अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं।